हेलो, नमस्कार। स्वागत है आज के वेबिनार सेशन पर, जो कि वन क्लिक सॉल्यूशन फॉर जनरेटिंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस पर आधारित है। इस टॉपिक पे प्रीवियसली भी बहुत सारे सेशन हुए हैं बिजी की तरफ से, और उसमें मोस्टली हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट को कवर अप किए हैं। सो इफ एनीबॉडी हैज डिडन गॉट टू सी दी प्रीवियस सेशंस और डिडन अटेंड द प्रीवियस सेशन, दे कैन चेक आउट दी रिकॉर्डिंग फ्रॉम आर यूट्यूब चैनल दैट इज बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। वहाँ पर आपको ई वेविल और ई इनवॉइस के कन्फिग्रेशन के रिलेटेड काफी सारे वीडियोज मिल जाएंगे, जिनको आप गो थ्रू कर सकते हैं। बट टूडे सेशन वी आर कंडक्टिंग इन अ डिफरेंट वे, दैट मीन्स कि इस सेशन पे हम लोग मोस्टली क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। दैट मीन्स ये सेशन क्यू एंड ए सेशन मोड पे कंडक्ट किया जा रहा है, जिसमें कि हम प्रैक्टिकली जब ई वे बिल या इनवॉइसिंग जनरेट करने जाते हैं, इन दैट टाइम व्हाट चैलेंजेस वी कैन फेस और व्हाट क्वेश्चंस और व्हाट क्वेरीज दैट कैन कम इन आर माइंड। सो वी विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ दी क्वेरीज थ्रू दिस वेबिनार ऑन टुडे सेशन। सो इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू ई वे बिल एंड ई इनवॉइसिंग जनरेशन, देन नो नीड टू वरी इट, वी विल रिजॉल्व द मेजोरिटी ऑफ योर क्वेरीज रिगार्डिंग ई वे बिल एंड ई इनवॉइस जनरेशन। सो एक नजर डाल लेते हैं वन बाय वन रिक्वायरमेंट पे या क्वेश्चंस या क्वेरीज पे। सबसे पहले तो ई वे बिल जनरेशन पे एक क्वेश्चंस या क्वेरीज अराइज होते हैं माइंड पे, कि कैन आई जनरेट एन ई वे बिल विद इन अ ई इनवॉइस। दैट मीन्स कि हम ई इनवॉइस अगर जनरेट करने जा रहे हैं, देन कैन आई जनरेट द ई वे बिल अलॉन्ग विद द ई इनवॉइस, क्योंकि बिजी में ये ऑप्शंस तो है कि हम इंडिविजुअल ई वे बिल और ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर ऑल्सो हैविंग ऑप्शन टू जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस। ओके, सो यस, आप ये पॉसिबल है, बिजी में आप इसको जनरेट कर सकते हैं। ई वे बिल आप ई इनवॉइस के अंदर भी जनरेट कर सकते हैं। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन की ई इनवॉइस जनरेट करने जाए, तो उसके साथ आप ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं। सो लेट मी शो यू प्रैक्टिकली इन बिजी। एक बार मैं बिजी में दिखा देता हूँ क्या होता है। जब भी आप ट्रांजेक्शन पे कोई इनवॉइस रेज करते हैं और उस पे जैसे मैंने कोई नंबर दे दिया और यहाँ पर मैंने कोई पार्टी सेलेक्ट कर लिया है एंड कोई आइटम ले लेता हूँ यहाँ पर, इसके बाद जैसे हम उसको सेव करते हैं आगे प्रोसेस के लिए, तो ट्रांसपोर्ट डिटेल्स जो हमारे जो स्क्रीन जो है पॉपअप हो जाते हैं, उस पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर आप इसको ई वे बिल को एनेबल करते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा जनरेट ई वे बिल विद इन ई इनवॉइस। ठीक है, ये एन रहेगा तो आप इसको वाई करना है आपको। ठीक है, अगर आप ई वे बिल भी जनरेट कर रहे हैं तो देन यू हैव टू मेंशन दी व्हीकल नंबर। ठीक है, और इसके बाद डिस्टेंस आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस इन द सेंस कि जहाँ पर आप मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, आपके पिन कोड से उस कस्टमर की पिन कोड की जो भी डिस्टेंस है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आगे इसको ओके करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे आप इसको सेव करेंगे तो ये पूछा है डू यू वांट टू जनरेट इनवॉइस, ई वे बिल यहाँ पर लिखा रहा है ई वे बिल विल बी जनरेटेड विद इन ई इनवॉइस। तो आप इसको यस कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बटन में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करना है, ओके करेंगे और व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस में जाएंगे और जनरेट ई इनवॉइस में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको यहाँ पर ई इनवॉइस के साथ साथ ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ई इनवॉइस एक्नॉलेजमेंट नंबर और ई वे बिल नंबर भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहे प्रिंट करना चाहे इनवॉइस, तो आप इसको यस करें तो इनवॉइस की प्रिंट में भी आपको ई वे बिल का डिटेल दिख जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। तो आप थोड़ा सा जो देख सकते हैं आयरन डिटेल दिखा रहा है यहाँ पर, एक्नॉलेजमेंट डिटेल, और इसके नीचे जो है इसका ई वे बिल नंबर भी दिखा रहा है। तो आप ई इनवॉइस के साथ साथ आप ई वे बिल भी इनवॉइस के अंदर जनरेट कर सकते हैं बिजी से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेरीज हमारे माइंड पे आ सकते हैं कि ई वे बिल के रिलेटेड कि अगर कोई ऐसा प्रोविजन है बिजी में कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट हम सेट कर पाए जिसके
बियॉन्ड ई वेबल जनरेशन पूछ ले बिजी में ऑटोमेटिक कि अब ई वेबल जनरेट करना है, तो हम कोई थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते कि इसके ऊपर अगर वैल्यू होती है तो ही ई वेबल जनरेशन के लिए पूछे, अदरवाइज ना पूछे। तो यस, बिजी में ये पॉसिबल है, आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं। कहाँ से सेट करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। आप एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगर फीचर्स एंड ऑप्शंस पे जब जाते हैं, जहाँ पर GST/VAT वाले टैब में जाते हैं, तो यहाँ पर आप ई वे बिल को एनेबल करने के बाद आपको एक कन्फिग बटन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं, बोथ आपके लोकल ट्रांजैक्शन के लिए और सेंट्रल। ये सेंट्रल का हो गया, तो सेंट्रल का आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं कि 50,000 के रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन हो, उससे नीचे हो तो ई वे बिल के लिए ना पूछे, उससे ऊपर हो तो ई वे बिल के लिए पूछ ले, अगर हम सेंट्रल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आउटर स्टेट कर रहे हैं। अगर हम इनर स्टेट कर रहे हैं, मतलब विद इन दी स्टेट कर रहे हैं, तो बोथ B2B और B2C के लिए अगर हमें ई वे बिल जनरेट करना है, तो उसकी अगर थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करनी है तो हम थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिस्टेंस में भी हम सेट कर सकते हैं कि इतने किलोमीटर हो गए तो ही हम ई वे बिल जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की प्रोविजंस आप ई वे बिल कॉन्फ़िगरेशंस पे सेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज कैन द डिस्टेंस ऑटोमेटिकली बी कैलकुलेटेड वाइल जनरेटिंग ई वे बिल। दैट मीन्स Whenever I'm going to record a transaction and I'm going to raise a e-way bill against that transaction, shall I need to put the distance manually or it should get calculated automatically? So answer is yes, it will get calculated automatically. Means आपको distance डालने की जरूरत नहीं है, the distance will get calculated automatically against that particular pin number, जो कि pin number आप या pin code आप पार्टी क्रिएशन वक्त उनके एड्रेस में जो भी पिन कोड डाल रहे हैं उसके बेसिस पे आपका डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिनेरियो समझा देता हूँ कि जब आप एंट्री ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मैं क्वांटिटी और रेट वगैरह दे देता हूँ। ट्रांसपोर्ट डिटेल का जो बॉक्स ओपन होगा उसमें आप जैसे स्टेशन देख रहे हैं बेंगलोर, पिन कोड आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो डिस्टेंस में जब आप ये चेक डिस्टेंस बटन में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पूछेगा अपडेट करना है डिस्टेंस। तो ये विद इन दी स्टेट है, तो बेंगलोर टू बेंगलोर, मतलब ये कंपनी भी बेंगलोर बेस्ड है और कस्टमर भी बेंगलोर बेस्ड है, तो वो पिन कोड से चेक कर लिया और अपडेट डिस्टेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट करके बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि अगर आपको डिस्टेंस जो है, अगर आपने मेट्रियल सेंटर यूज़ किया हुआ है, ठीक है, अगर आप यहाँ पर मेट्रियल सेंटर यूज़ करें तो मेट्रियल सेंटर पे भी आप जो है अपना पिन कोड वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, तो मेट्रियल सेंटर से भी डिस्टेंस पिक कर लेगा। दैट मीन्स हो सकता है कि आपका डिस्पैच दूसरे, आपका ऑफिस सपोज दिल्ली है लेकिन आपका गोडाउन सपोज बॉम्बे, आप बॉम्बे से डिस्पैच करना चाह रहे हैं, तो फिर मेट्रियल सेंटर से भी आप डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट क्वेरीज और यू कैन से रिक्वायरमेंट दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल, कैन बिजी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन टाइप वाइल जनरेटिंग ई वे बिल। दैट मीन्स इफ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन, दैट मे बी ए एक्सपोर्ट बिल, दैट मे बी SEZ बिल, दैट मे बी अ ट्रांजेक्शन विच वेर हैविंग बोथ दी एड्रेस, बिलिंग एड्रेस एंड शिपिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस में भी डिफरेंट, ठीक है। तो इन दैट केस क्या एज पर द ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शन टाइप होती है ई वे बिल में वो ऑटो पिक कर लेगा? तो आंसर इज यस, बिजी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक, जब आपका ट्रांसपोर्टर डिटेल बॉक्स ओपन होगा ट्रांजेक्शन करते वक्त, तो वहां पर आपका ट्रांजेक्शन टाइप ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहेगा, एज पर द एंट्रीज आपका ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको मैनुअल सिलेक्ट करने की जरूरत है नहीं। बाकी अगर आप डिस्पैच डिटेल अलग डालना चाह रहे हैं, बिलिंग शिपिंग एड्रेस आपकी अलग मेंटेन करके आप ई वे बिल को जनरेट करना चाह रहे हैं, या उसका रिकॉर्ड ई वे बिल वाले प्रिंट आउट में प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, तो इन दैट केस आप कर सकते हैं। तो इसको प्रैक्टिकली मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, जब भी आप एंट्री कर रहे हैं तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइप आ रहा है,
ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहेगा, दैट मीन्स कि एज पर दी ट्रांजेक्शन, एज पर दी एंट्री, ये ट्रांजेक्शन टाइप सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप बिल बिल टू शिफ्ट टू डिफर हो रही है, तो उस हिसाब से बिल टू शिफ्ट टू मैनेज हो सकते हैं। ठीक है, वो आपकी ई वे बिल प्रिंटआउट पर ले लेगा, बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको ऑटोमेटिक ना करके एंटी करते वक्त मैं इसका डिस्पैच डिटेल चेंज कर दूं, बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम, हो सकता है कि मैंने बिल किया है दिल्ली से, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली है, लेकिन मैं डिस्पैच कर रहा हूँ मेरे बॉम्बे गोडाउन से, तो मैं डिस्पैच डिटेल यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। बॉम्बे गोडाउन पे मेरा जो बॉम्बे गोडाउन जिस नाम से रजिस्टर है, वो नाम मैं मेंशन कर सकता हूँ, उसका एड्रेस मेंशन कर सकता हूँ, पिन कोड। तो जब मैं ई वे बिल को प्रिंट करूँगा, तो वहाँ पर मेरी बिलिंग डिटेल, शिपिंग डिटेल, डिस्पैच डिटेल भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कॉम्बिनेशन सेट करना चाहते हैं कि चारों के चारों आ जाए, बिलिंग, शिपिंग, डिस्पैच, और जो मेरी एक्चुअल एज पर ट्रांजेक्शन है वो भी ले ले, तो वो भी आपका आ जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू और थ्री मोड पे। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हो जाएगा, एज पर द ट्रांजेक्शन आपको मैन्युअली सिलेक्ट करने की जरूरत होगी नहीं। एल्स अगर आप एंटी करते वक्त चेंज ना करना चाहें, तो आप इसको ऑटो बाय डिफॉल्ट ही रह जाएगा, और आपके ट्रांजेक्शन पे वो एज पर दी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन वो पिक कर लेगा आपके ई वे बिल प्रिंट आउट पे। ठीक है, बाकी इसमें जैसे मैंने बताया कि अगर आपको कोई ऐसा करना है कि ये ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट का ट्रांजेक्शन है, जॉब वर्क रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उस पे आपको ई वे बिल आप जनरेट कर रही है, जो एंट्री आप कर रही है जॉब वर्क रिलेटेड एंट्री है, या आपका ये एक्सपोर्ट रिलेटेड एंट्री है, या सप्लाई रिलेटेड एंट्री है, तो आप इसको मैनुअल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज कैन आई यूज एड्रेस डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर वाइल जनरेटिंग ई वे बिल। दैट मीन्स कि जैसे मैंने कहा, इफ यू आर हैविंग एन ऑफिस इन दिल्ली एंड यू आर हैविंग एन गोडाउन इन बॉम्बे, एंड यू वॉन्ट टू डिस्पैच योर और यू वॉन्ट टू सप्लाई योर प्रोडक्ट फ्रॉम योर गोडाउन फ्रॉम बॉम्बे ऑफिस, आप बॉम्बे ऑफिस से आप अपना मटेरियल सप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके ई वे बिल में क्या आपकी जो डिस्पैच डिटेल है या आपकी जो एड्रेस है, शिपिंग एड्रेस है, वो आपका मटेरियल सेंटर से पिक कर ले? तो हाँ, बिजी में जब आप मटेरियल सेंटर क्रिएट करते हो, तो मटेरियल सेंटर में भी आप एड्रेस डाल सकते हैं। कैसे? तो जैसे आप बिजी में कोई मटेरियल सेंटर आप क्रिएट करते हैं मास्टर में आके, मटेरियल सेंटर जैसे ये मेन स्टोर में ले लिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एड्रेस वगैरह डाला हुआ है, इसका प्लेस, इसका पिन कोड यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं ट्रांजैक्शन करते वक्त अगर मुझे लगता है कि मुझे ई वे बिल अगर मुझे जनरेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं कंटी करता हूँ, मैंने यहाँ पर जो है मटेरियल सेंटर मेन स्टोर ले लिया, और यहाँ पर आइटम में कुछ ले लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और अगर मैं इसको ई वे बिल मैंने वाई कर दिया। ठीक है, अब फिलहाल मैं ई वे बिल मोड पे चेक करता हूँ, फिलहाल मैंने ई वे बिल को एनेबल किया है, और मैंने कुछ व्हीकल नंबर डाल दिया। ठीक है, अब मुझे पूछा जनरेट करना ई वे बिल, मैंने बोला यस, ऑटोमेटिक करना है मुझे, अब ओके करूँगा तो व्यू एंड जनरेट ई वे बिल में आ जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आप जब जनरेट ई वे बिल में जाएंगे, इससे पहले मैं एक पॉइंट बता दूं कि मैं ऑलरेडी जनरेटेड है, मैं दूसरा दिखा देता हूं। हाँ, तो आप जब आप ई वे बिल जनरेट में ऑटोमेटिक में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सब आप देख सकते हैं, पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम एमसी, अगर आप इसको वाई करते हैं, तो आपका ई वे बिल वाले डिटेल पे प्रिंट आउट में आपका मटेरियल सेंटर से एड्रेस पिक कर लेगा, मटेरियल सेंटर पे जो भी आपने एड्रेस मेंशन करके रखा है, जैसे आपने यहाँ पर एड्रेस जो भी मेंशन करके रखा था मटेरियल सेंटर को, वो ये एड्रेस को पिक कर लेगा आपकी ई वे बिल प्रिंट आउट पे। ठीक है, अगर आप इसको एनेबल करते हैं, दैट इज पिक फ्रॉम एड्रेस डिटेल फ्रॉम एमसी और मटेरियल सेंटर, ओके करेंगे, व्यू एंड जनरेट में जाएंगे, तो आपका जो भी एड्रेस वगैरह वो सब आपके ई वे बिल प्रिंट आउट में मटेरियल सेंटर से पिक कर लेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसी एड्रेस वन, ये मटेरियल सेंटर का एड्रेस ले लिया, मटेरियल सेंटर एड्रेस वन, मटेरियल सेंटर एड्रेस टू, जनकपुरी, ये मैंने मेन स्टोर में एड्रेस डाला था, तो मेरा जो शिपिंग एड्रेस है
वो मेरा ये एटेल सेंटर का एड्रेस ले लिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप जो है ई वे बिल जनरेट करते करते वक्त आप ये ध्यान रख सकते हैं, आप इसको या यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल स्पेसिफिकेशन, कि कैन बिजी डाउनलोड फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल द डिटेल ऑफ ई वे बिल जनरेटेड बाई सेल्फ एंड अदर। दैट मीन्स कि आप अगर सेल इनवॉइस रेज कर रहे हैं और उस पर आप ई वे बिल नंबर जनरेट कर रहे हैं, या आपके जीएसटी नंबर पे किसी और ने ई वे बिल जनरेट करके रखा है, मतलब कि अगर आपको किसी ने सेल किया है प्रोडक्ट और आपको सेल करते हुए आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट पे किसी ने ई वे बिल रेज किया है, इस टाइप की या इन दोनों टाइप की डिटेल्स की रिपोर्ट आपको जो है नॉर्मली पोर्टल में जाके चेक करना होता है। बट बिजी में ये प्रोविजन है कि आप बिजी से भी जो है डायरेक्टली ये चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या ई वे बिल किस किस ट्रांजेक्शन के सेल इनवॉइस पे ई वे बिल जनरेट किया हुआ है, और आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में आपके सप्लायर ने कब कब ई वे बिल जनरेट किया आपको, ठीक है। इसका रिपोर्ट मैं बता देता हूँ कहाँ से आप देख सकते हैं। आप ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी मिसलिनियस यूटिलिटीज के अंदर आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ई वे बिल डिटेल जनरेट बाय सेल्फ। सेल्फ मतलब आपका डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस यूटिलिटी विल हेल्प यू टू डाउनलोड एंड व्यू ई वे बिल डिटेल जनरेटेड बाय सेल्फ। दैट मीन्स यू आर गोइंग टू जनरेट द ई वे बिल एंड दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन विल रिफ्लेक्ट ऑन दिस रिपोर्ट, कि जो भी सेल पे आपने ई वे बिल जनरेट किया उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पर डाउनलोड करके देख सकते हैं व्यू रिपोर्ट में जाके, ठीक है। इसके अलावा इसमें ये ध्यान रखना कि 50 डेज एट ए टाइम आपको 50 डेज के ट्रांजेक्शन दिखेगा एट ए टाइम, और डाउनलोड प्रायोरिटी होगी 180 डेज, मतलब 180 दिन से ज़्यादा करेंट डेट से लेके 180 दिन से ज़्यादा ही की ट्रांजेक्शन आपको इस पे डाउनलोड नहीं हो पाएगा, ई वे बिल की रिपोर्ट नहीं दिखेगा कि किस किस ट्रांजेक्शन में आपने खुद ई वे बिल जनरेट किया है। तो 180 डेज के नीचे मतलब करेंट डेट से लेके के 180 डेज तक की ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगी। सो यू कैन इजीली गेट टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट आर द ट्रांजेक्शन वेयर यू हैव जनरेटेड ई वे बिल अगेंस्ट विच पार्टी, एंड देर इज अ क्राइटेरिया दैट दैट ट्रांजेक्शन लिस्ट विल शो टिल 180 डेज फ्रॉम द करेंट डेट, एंड एट अ टाइम यू कैन गेट 50 डेज ट्रांजेक्शंस, यू कैन डाउनलोड 50 डेज ट्रांजेक्शन एट अ टाइम। एक डाउनलोड में आपको एटलीस्ट अप टू 50 डेज की ट्रांजेक्शन दिख जाएंगे। अगर किसी ने आपके जीएसटी नंबर पे ई वे बिल जनरेट करके रखा है, इफ एनी एनी सप्लायर हैव रेज्ड सेल इनवॉइस ऑन योर जीएसटी नंबर, फॉर यू इट्स अ परचेज बिल, बट इफ योर सप्लायर हैज रेज्ड अ सेल इनवॉइस, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो गेट टू नो दैट विच सप्लायर हैज रेज्ड ए ई वे बिल नंबर ऑन माई ट्रांजेक्शन अगेंस्ट माई जीएसटी नंबर, सो दैट ऑल्सो यू कैन डाउनलोड। एंड हियर इज ऑल्सो अ क्राइटेरिया दैट यू कैन गेट टू सी अप टू 180 डेज ट्रांजेक्शन फ्रॉम द करेंट डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस ये राइज हो सकते हैं माइंड पे दैट कि दैट इज उस रिलेटेड टू इनवॉइस, कि कैन बिजी जनरेट इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस इशू टू द रजिस्टर्ड पार्टी एंड स्किप द इनवॉइस इशू टू एन अनरजिस्टर्ड पार्टी। एज वी ऑल नो दैट इनवॉइस आर मोस्टली जनरेटेड टू B2B ट्रांजेक्शन। अगर हम किसी रजिस्टर्ड पार्टी को इनवॉइस रेज कर रहे हैं, देन इफ आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ ट्रांजेक्शन विद अ रजिस्टर्ड पार्टी, देन ई इनवॉइस इज गोइंग टू बी रेज टू दैट पार्टी, ठीक है। तो वहाँ पर पूछ लेता है कि आपको ई इनवॉइस जनरेट करना है यस और नो। बट अगर हम कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी को सिलेक्ट करते हैं तो हमें ई इनवॉइस पूछेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रोविजन बिजी में है, पॉसिबल है कि आपको बिजी सॉफ्टवेयर स्किप कर देगा। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पार्टी से आप ई इनवॉइस रेज करने जा रहे हैं तो बिजी वहीं पर स्किप कर देगा कि इस ट्रांजेक्शन का ई इनवॉइस का ऑप्शन आएगा ही नहीं आपके पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बार दिखा देता हूँ, जैसे कोई ऐसा पार्टी मैं सिलेक्ट करता हूँ जिसका जीएसटी नंबर मैंने मेंशन नहीं किया है, फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ ABC सनडी डेटा कर देता हूँ इसको, और ये अनरजिस्टर्ड है। सो आई एम सिलेक्टिंग अ पार्टी विच इज एन अनरजिस्टर्ड पार्टी, आई एम सिलेक्टिंग एन आइटम विच इज रिलेटेड टू टैक्स आइटम। नाउ इफ आई सेव दिस ट्रांजेक्शन
अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है, तो मुझे पूछा ही नहीं इसमें कि मुझे इसका इनवर्स जनरेट करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो देख सकते कि यहाँ पर इनवर्स बाय डिफॉल्ट ही एन है, ठीक है। अगर कोई रजिस्टर पार्टी होता तो इनवर्स बाय डिफॉल्ट वाई हो जाता। आप देख सकते हैं यहाँ पर जनरेट बी टू सी ट्रांजेक्शन पे अगर कोई गलती भी नहीं कर पाएगा, नो वन कैन डू एनी मिस्टेक्स कि यहाँ पर किसी ने फोर्सफुली वाई करके जनरेट करना चाहे तो वो भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये चेकिंग दिया हुआ है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस। कैन आई जनरेट एंड प्रिंट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस इन बल्क? दैट मीन्स सिंगल सिंगल ट्रांजेक्शन पे तो हम कर ही रहे हैं, ऑप्शंस तो पूछ ही रहा है ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करने के लिए, बट इफ आई नीड अ बल्क ऑप्शन टू जनरेट और प्रिंट ई वे बिल और ई इनवॉइस इन बल्क एट द डे एंड आई वॉन्ट टू जनरेट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन बल्क, सो दैट इज पॉसिबल इन बिजी। बिजी इज गिविंग अ ऑप्शन टू जनरेट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस इन बल्क मोड, ठीक है। तो बिजी सॉफ्टवेयर में ये फीचर दिया गया है कि ट्रांजैक्शन पे आप जाके जब जीएसटी मिसेलेनियस यूटिलिटीज में जाएंगे तो ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट एंड प्रिंट ई वे बिल और ई इनवॉइस करने का, ठीक है। आप ई इनवॉइस और एक साथ ई वे बिल ई इनवॉइस दोनों करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअली करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअली भी आप बल्क कर सकते हैं यहाँ से। ई वे बिल का सेव करना चाह रहे हैं तो आप डेट डाल सकते हैं जिस डेट से जिस डेट का आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे आप करेंगे तो जितनी ट्रांजैक्शन है उसके सिलेक्ट ऑल करके एक बार में आप जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल, ठीक है। और अगर आप एक्सक्लूड करेंगे यहाँ पर तो ये क्या करेगा, जिसका ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट हो गया उसको हटा देगा, और जिसका ई वे बिल जनरेट नहीं हुआ है दैट ट्रांजेक्शन विल गेट फिल्टर इन दिस स्क्रीन इफ यू सिलेक्ट ऑन दिस ऑप्शन कॉल एक्सक्लूड वाउचर ऑलरेडी हैविंग ई वे बिल नंबर। सिमिलर इन केस ऑफ ई इनवर्सिंग ऑल्सो, ओके। सो ई इनवर्सिंग में भी आपको ये प्रोविजन मिल जाएंगे। एंड इफ यू नीड टू जनरेट बल्क ई वे बिल एंड ई इनवॉइस इन वन शॉट, दैट मीन्स एक क्लिक में ई वे बिल इनवॉइस दोनों एक साथ जनरेट हो जाए बल्क ट्रांजेक्शन के लिए, तो सेम आप इसमें जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको जो है लोड लिस्ट करेंगे और एक बार में सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन सिलेक्ट हो जाएंगे और आप यहाँ से जनरेट ई इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो ई इनवॉइस के अंदर ई वे बिल भी जनरेट हो जाएगा उसका। कमिंग ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल एंड ई इनवॉइस। कैन आई चेक फॉर एरर बिफोर जनरेटिंग एन ई वे बिल और ई इनवॉइस? सो दिस इज अ वाइटल थिंग। हमें बेसिकली सॉफ्टवेयर की इम्पोर्टेंस तभी पता चलता है जब सॉफ्टवेयर हमें गाइड करता है और हर पोजिशन पे हमें ये गाइड करता है कि आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग अ रॉन्ग थिंग और यू आर डूइंग ए रॉन्ग ट्रांजेक्शन। सो बिफोर गोइंग टू फाइनलाइज योर ई वे बिल और ई इनवॉइस और गोइंग टू जनरेट योर ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, यू वॉन्ट टू गेट एन एश्योरेंस दैट ऑल दी ट्रांजेक्शन दैट हैव डन इज करेक्ट और नॉट। तो आप एश्योर होना चाह रहे हैं कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है उस पर टैक्सेशन सही लिया है, उसमें क्या प्रोविजन जो भी आपने ट्रांजेक्शन पर जो भी पिक किए हैं वो सब प्रॉपर है, परफेक्ट है। तो ई वे बिल इनवर्स जनरेट करने से पहले भी बिजी आपको गाइड कर देगा या आपको एक एरर टूल दे देगा या एक एरर रिपोर्ट दे देगा जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि आपका ट्रांजैक्शन सही है या आपने कहां पर मिस्टेक किया, वो भी हाईलाइट करके उस रिपोर्ट में बता देगा एरर रिपोर्ट पे। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ वो ऑप्शंस कहाँ पर है। जब आप कोई भी एंट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसमें जाते हैं, इसमें ऑलरेडी जनरेटेड है, मैं एक दूसरे ट्रांजेक्शन में चला जाता हूँ जैसे इसमें। तो जैसे आप ई वे बिल जनरेट करने जा रहे हैं, नॉट ओनली ई वे बिल इन केस ऑफ इनवॉइस ऑल्सो ये प्रोविजन है, आप जैसे ओके करेंगे जनरेट करने से पहले आपको पूछेगा चेक पॉसिबल एरर, इफ यू क्लिक ऑन दिस देन इट विल शो यू दी एरर डिटेल, मीन्स आपको ट्रांजेक्शन नंबर मतलब डॉक्यूमेंट नंबर मतलब इनवॉइस नंबर बता देगा, पार्टी का नाम बता देगा, पार्टी का जीएसटी नंबर बता देगा, यहाँ पर इनवैलिड डेटा फॉर्म पे ये लिख देगा अगर पार्टी का जीएसटी नंबर गलत है तो यहाँ पर मेंशन कर देगा रीजन कि यू हैव सिलेक्टेड ए रॉन्ग जीएसटी नंबर। अगर आपने टैक्स गलत लिया है, इफ यू हैव टेकन टैक्सेशन परसेंटेज रॉन्ग इन द ट्रांजेक्शन देन ऑल्सो इट विल राइट ओवर हियर इन दिस कॉलम इनवैलिड डेटा फाउंड। इफ यू फाउंड ब्लैंक इन दिस कॉलम और इफ यू फाउंड ब्लैंक इन दिस रिपोर्ट, अगर ये ब्लैंक है देन
यू विल बी एश्योर दैट देर इज नो एरर इन दी ट्रांजेक्शन। तो आप ये एश्योर हो सकते हैं, आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपके ट्रांजेक्शन में कोई गलती नहीं है, एंड देन यू कैन प्रोसीड फर्दर फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो आप ई वे बिल या इनवॉइस के लिए जनरेट हो सकते हैं। तो बिजी जनरेशन से पहले भी आपको पॉसिबल एरर की लिस्ट शो कर देगा या आपको रीजन दे देगा, आपने कहाँ पर क्या गलती किया वो हाईलाइट करके बता देगा। तो आप हाथों हाथ यहाँ से डबल क्लिक करके आप उस एंट्री में जाके एंट्री को ठीक कर सकते हैं। जब तक ये रिपोर्ट ब्लैंक नहीं होगा, तब तक आप एश्योर नहीं हो पाएंगे या आप कंफर्म नहीं है कि आपका ई वे बिल प्रॉपरली मेंटेन हुआ है। ठीक है, तो आपको ये रिपोर्ट को ब्लैंक रखना है, मतलब कि यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन डिटेल ना आ जाए जिससे आपकी ई वे बिल जनरेशन पर दिक्कत आ सकती है। ओके, तो आपको यहाँ पर ये चेकिंग टूल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको वेरिफिकेशन पोर्टल एरर का डिटेल आपको बिजी में ऑप्शन मिल जाएगा। ये तो आप ये पॉसिबल है, आप बिजी से आप जनरेशन से पहले ई वे बिल इनवॉइस जनरेशन से पहले ही आप चेक कर सकते हैं। कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑन द अनदर रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू ई वे बिल एज वेल एज इनवॉइस। कैन आई क्लब आइटम डिटेल बाई HSN एंड यूनिट ऑन ई वे बिल एंड इनवॉइस जनरेशन। दैट मीन्स कि जब आप ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो आप आइटम डिटेल को क्लब करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपने ट्रांजेक्शन पे आपने मल्टीपल टाइम आइटम्स सिलेक्ट किया, हो सकता है वो आइटम्स के HSN कोड सेम है, तो वो क्लब कर लेगा ई की रो पे या ई इनवॉइस या ई वे बिल पे, वो उसको क्लब करके दिखा देगा डिटेल आइटम का नाम विद दी HSN कोड और यूनिट के साथ। तो अगर आप क्लब करना चाह रहे हैं तो आपको बिजी में ये प्रोविजन मिल जाएगा। है ये बिजी में आपको आइटम क्लब करने के ऑप्शंस बिफोर गोइंग टू जनरेट ई वे बिल और इनवॉइस। मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ आप सबको, कि जब आप ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट करने जाते हैं तो आप सेव करते, जब आप यस करेंगे जनरेशन के लिए, तो आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लब आइटम डिटेल। आप इसको एनेबल कर देंगे तो अगर कोई आइटम के HSN कोड कॉमन है तो वो क्लब करके वो विथ यूनिट आपका ई वे बिल वाले प्रिंट आउट पे आ जाएगा। ठीक है, आप इसको वाई करेंगे तो आइटम डिटेल को क्लब कर लेगा। सेम ई इनवॉइस के जनरेट करते वक्त भी आपको वही मैसेज वही उसी स्क्रीन पे आपको ऐसे लिखाएगा क्लब आइटम यस और नो का कॉन्सेप्ट। तो इनवॉइस के खेत में भी आप उसको वाई कर सकते हैं अगर आपको क्लब करना है। कमिंग ऑन द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल एंड ई इनवॉइस स्पेसिफिकेशंस। हाउ कैन आई कैंसिल एन ई वे बिल और ई इनवॉइस विदाउट यूजिंग द पोर्टल? दिस इज ऑल्सो अ वाइटल क्वेरी दैट मोस्टली अराइजेज इन आर माइंड, कि हम ई वे बिल जनरेट तो कर लिए, इनवॉइस जनरेट कर लिए, बट समहाउ देर इज अ मिस्टेक्स आई हैव डन और सम रेक्टिफिकेशन इज नीडेड टू बी इज रिक्वायर्ड। सो कैन आई कैंसिल द ई वे बिल? प्रीवियस ई वे बिल को हम कैंसिल कर सकते हैं, इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं बिना अपने GST पोर्टल में लॉग इन किए या ई वे बिल पोर्टल पे या इनवॉइस पोर्टल पे लॉग इन किए। तो यस, हाँ बिजी में ये प्रोविजन है। ठीक है, एज पर गवर्नमेंट लॉ जो भी नियम है 24 आवर्स के अंदर या जो भी नियम्स है उसके बेसिस पे आप बिजी से डायरेक्टली आप अपना ई वे बिल या इनवॉइस को कैंसिल कर सकते हैं और वो पोर्टल में ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको पोर्टल में जाके फिर से कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखा दूँ, जैसे ये एंट्रीज है, आप जब आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल करेंगे तो ट्रांजैक्शन कैंसिल करने के लिए आप इसमें ऑल्ट एक्स भी शॉर्टकट की है वो प्रेस कर सकते हैं इस मॉडिफाई मोड पे आके, या आप ये कैंसिल टॉप में आप राइट साइड में देख सकते हैं कैंसिल, इसमें क्लिक करेंगे तो ये वाउचर कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल मीन्स इट्स नॉट गोइंग टू डिलीट योर एंट्री, वाउचर नंबर विल रिमेन बट योर रिफ्लेक्शन विल गेट आउट। मीन्स आपका आइटम्स का रिफ्लेक्शन, अकाउंटिंग की रिफ्लेक्शन, GST की रिफ्लेक्शन चले जाएंगे, वाउचर नंबर रहेंगे। ठीक है, जो कि नियम है, अगर आप ऑटो नंबरिंग करते तो अगर आप डिलीट कर देंगे तो नंबरिंग बीच में आप हटा देना, तो दैट मे बी अ काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट मे अराइज इन केस ऑफ टैक्सेशन पॉइंट। सो इन दैट केस आप ट्रांजेक्शन को कैंसिल जब भी करेंगे तो आपको कैंसिलेशन नरेशन कुछ डालना है। हो सकता है आप कुछ रॉन्ग एंट्री किए हैं तो आप इसमें नरेशन अपने हिसाब से डाल सकते हैं। एंड जैसे आप ट्रांजैक्शन कैंसिल कर देंगे आपको पूछेगा कि आप ई इनवॉइस या ई वे बिल भी कैंसिल करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में मैंने ई वे बिल इनवॉइस जनरेट करके रखा हुआ है। तो मैं बोलूंगा यस, रीजन क्या है?
इसमें स्पेसिफिक रीज़न भी देना होता है कि पोर्टल में किस रीज़न पे जाएगा वो कैंसिलेशन अपडेट लेगा। तो डुप्लीकेट हो गया है, ऑर्डर कैंसिल हो गया है, डेटा एंट्री में मिस्टेक से याद है, अगर डेटा एंट्री मिस्टेक है तो डेटा एंट्री मिस्टेक में रिमार्क्स में आप कुछ लिख सकते हैं, रॉन्ग एंट्री डन या क्वान्टिटी इज़ रॉन्ग और वैल्यू इज़ रॉन्ग, कुछ भी आप लिख सकते हैं, वैल्यू इज़ रॉन्ग, जो आपके एज पर रीज़न है आप रिमार्क्स में डाल के ओके करेंगे तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ई वे बिल कैंसिल हो जाएगा और इनवॉइस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन के साथ साथ आपका ई इनवॉइस ई वे बिल दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये आपको पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा, आपको अलग से पोर्टल में जाके कैंसिल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ई वे बिल एंड इनवॉइसिंग। हाउ डू आई ऑडिट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, दैट मीन्स कि ई वे बिल और इनवॉइस को हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट हियर मीन्स दैट यू वॉन्ट टू चेक दैट वॉट आर द ट्रांजेक्शन वेयर आई हैव नॉट जनरेटेड ई वे बिल बट दैट ट्रांजेक्शन वॉज नीडेड फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। दैट मीन्स वो ट्रांजेक्शन क्राइटेरिया के अंदर पड़ता है ई वे बिल और इनवॉइस जनरेशन पे। ठीक है, दैट ट्रांजेक्शन वॉज नीडेड टू बी जनरेटेड ई वे बिल एंड इनवॉइस बट आई हैव नॉट जनरेटेड ई वे बिल और इनवॉइस समहाउ फॉर एनी रीजन। ठीक है, तो उसको हम कैसे ऑडिट कर सकते हैं। तो हाँ, बिजी में ये पॉसिबिलिटीज हैं, आपको एक कंप्रिहेंसिव ऑडिटिंग फीचर्स मिल जाएगा बिजी में, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो कौन से ट्रांजैक्शन पे आपका ई वे बिल मिसिंग हो चुका है और या इनवॉइस आपने जनरेट नहीं किया है जिसमें जनरेट करना चाहिए था। सो यू कैन गेट द मिसिंग ट्रांजेक्शन वेर यू हैव नॉट जनरेटेड द ई वे बिल और इनवॉइस। यू कैन गो टू ट्रांजेक्शन ऑप्शन इन बिजी, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज पे आज आ सकते हैं, उसके बाद आप ई वे बिल इनवॉइस मैनेजमेंट में आ जाए और यहाँ पर आप अलग से आपको दो रिपोर्ट मिल जाएगा, एक ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट और एक ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट। ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट में जाएंगे और आप अपना डेट रेंज डालेंगे, जिस डेट से जिस डेट तक की ट्रांजेक्शन की रिफ्लेक्शन आपको देखनी है, ओके करेंगे, आपको ये बता देगा ये दो ट्रांजेक्शन थे जिसमें आपने अभी तक ई वे बिल जनरेट नहीं किया है, दैट दिस ट्रांजेक्शन आर एलिजिबल फॉर जनरेटिंग ऑफ ई वे बिल एंड ई इनवॉइस बट यू हैव नॉट जनरेटेड। ठीक है, तो आप यहाँ से ऑडिट कर सकते हैं, यस दिस टू ट्रांजेक्शन हैव नॉट जनरेटेड द ई वे बिल, आप देख सकते हैं इस ट्रांजेक्शन पे ई वे बिल नहीं जनरेट किया गया है बट ये मतलब ये एलिजिबल था ये ट्रांजेक्शन ई वे बिल जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा ई इनवॉइस के क्षेत्र में भी आप ऑडिट रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, यू कैन प्रोवाइड दी स्टार्टिंग डेट एंड एंडिंग डेट ऑल्सो, एंड हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट दिस टू ट्रांजेक्शन वेर यू हैव नॉट जनरेटेड दी ई इनवॉइस। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक कंप्रिहेंसिव ऑडिट रिपोर्ट मिल जाएगा रिलेटेड टू ई वे बिल एज वेल एज ई इनवॉइस इन बिजी। So that's all from my side. I have covered up almost most of the queries that arises in our mind whenever we are going to generate e-way bill and e-invoice in Busy. These are the basic queries. I hope these queries mostly arising to all of you whenever you are going to generate e-way bill or e-invoice. So here are all the solutions that I have given. You can go through with the solutions for generating a hassle-free e-way bill and e-invoice from Busy.